क्या सच में यहाँ पे रात में नंगा बाबा आते हैं? क्या सच में यहाँ पे मनोकामना मांगने से पूर्ण होती है? आखिर क्यों यहाँ पे इतने लोग जीवों का बलि देते हैं? दिल थाम के बने रहिए, इस वीडियो में इस जगह के बारे में सारा पल खोलने वाले हैं। ठीक है, हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आपको फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग आ चुके हैं, मेरे चाचा का आग देख सकते हैं, काफी एकदम गजब टाइप का देख रहे हैं। मैंने इसको वीडियो बनाने से पहले इधर देखने को बोला और थोड़ा फनी टाइप का देख रहे हैं। तो आज हम लोग आ चुके हैं नंगटा मसान, जो कि वो रहा बरगद का पेड़ आपको दिख रहा बड़ा ऐसा वो है, और वहाँ पे आज को हम लोग जाने वाले हैं और हम लोग पूजा करने वाले। कितना हम लोग पूजा करने वाले, क्या क्या चीज का? दो पाठा दो मुर्गा। वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखना और मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। नंगटा मसान में क्या है, खास नहीं है, सब कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक बने रहो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। हम और चाचा यहाँ पे पहले आ गए हैं बाइक से, क्योंकि आप लोग ऑटो से नहीं आने का कारण समझ सकते हैं, और थोड़ा सा मैं बहाना बनाया कि पहले जाके वहाँ पे जगह भी देखना होगा, इस वजह से हमको बाइक में आने का मौका मिल गया। मुर्गा जुबान की मुर्गा रे मुर्गा, इसका आज बलि जाने वाला है ना। और यहाँ पे है हमारे दो हंसते हुए खिलखिलाते हुए पाठा, और मुझे ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि आज इनका बलि चढ़ने वाला है। तो गाइस, दिस इज देसी दारू, इसको हम लोग अच्छा वाला बोतल में भर के ब्रांड बना चुके हैं, ब्रांड बन गया, और अभी हम लोग इसको बाबा के वहाँ पे चढ़ाने वाले हैं। ऐसा पहले जमाना से पुरखों का मतलब आजीवन काल से मान्यता है कि वहाँ पे बाबा को दारू चढ़ाया जाता है, उसके बाद पूजा आता है, और भी बहुत कुछ चढ़ाया जाता है। तो क्या क्या होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे कितने सब्सक्राइबर यहाँ पे आए हैं नंगटा मसान पूजा करने के लिए, ये जरूर कमेंट करना। बोला है यहाँ पहुँचने वाले, चाचा लोग पहुँच चुके हैं और हम लोग जाने वाले हैं। अभी देख सकते हैं, देखो ये बरगद का पेड़ ही के अगल बगल में पूजा किया जाता है। यहाँ पे काफी अच्छा बन गया, पहले इस तरह नहीं था, ये चबूतरा पहले नहीं था, बट अभी चबूतरा बन चुका है। देखो कौन कौन कल पूजा किया था, पूरा एकदम गंदा करके चल गया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जब हम पहुंचे तो देखे सिर्फ यहाँ पे चबूतरा ही नहीं, पूरी तरह से धर्मशाला टाइप का बन चुका है। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे वर्षा में गर्मी में, आपको यहाँ पे हर एक तरह का सुविधा मिलने वाला है। गर्मी के लिए यहाँ पे दो दो चापाकल है, साथ में एक कुआं भी है, एंड वर्षा के लिए यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से एक धर्मशाला बनाया गया। अंदर में बैठ के खाने पीने का मतलब आपको यहाँ पे ऑल टोटल सुविधा मिलने वाला है। की लागू पूजा समान बहुत बड़ा ना जानो ने सिंदूर सलाए बतासा हर की फूल बेलपात आर दारू आर गांजा, उसने मिलो तो गांजा के हल्का फल्का के दूरा वाला राख दे आर की आर पूजा जे पाठा पूजा करो कर चंदा आर मुर्गा के जे चंदा मुर्गा हुआ जेटा लागो आर पैसा को लिए काम में लगा है, सबका काम में। मुझे पता है कि आपके मन में अभी एक सवाल पनप रहा होगा कि ये पेड़ में इतना सारा पत्थर क्यों लटकाया गया है। अगर जिन्हें इसके बारे में पता वो कमेंट में लिख सकते हैं, वरना थोड़ा सा दिल थाम के वीडियो देखिए, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मेरा नसीब कितना अच्छा था कि इतना ठंडा में दूर से दादाजी को देखे कि वहाँ पे वो आग सेक रहे, तो मैं भी थोड़ा सा हाथ पैर उसमें लगा के सेक लिया और दादाजी से कुछ बातें की। बढ़िया वाला हो कि ना पोज दी गए बढ़िया। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है पूजा करने की प्रक्रिया, और पूजा करने से पहले यहाँ पे अभी चाचा जी दाढ़ी बनवा रहे हैं पूरा बॉडी उड़ी दिखा के। तब तक मैं मेरा खुरपाते दिमाग ने सोचा कि आखिर ये बरगद का पेड़ के चारों तरफ है क्या, तो मैंने घूमते घूमते देखा कि दादी जी पूरी अच्छी तरह से मंदिर को साफ कर रहे हैं, और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे मंदिर में जो भी लगता पूजा का सामान उसके लिए यहाँ पे दुकान भी लगा हुआ है। फाइनली इतना देर इंतजार करने के बाद नंबर आ गया हम लोग का पूजा करने का। अब हम लोग पाठा को पूरी अच्छी तरह से नहला दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा पुरखों से चलते आ रहा है जो लोग यहाँ पे पूजा करते हैं पाठा को नहलाना पड़ता है, और भी जो मुर्गा वगैरह लाते हैं सब कुछ यहाँ पे नहला के वहाँ पे पूजा किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर इस पेड़ में इतना पत्थर क्यों लटकाया गया है। दोस्तों, जो लोग यहाँ पे आके मन्नत मांगते हैं वो एक टाइप का गवाही के तौर पर प्लास्टिक के अंदर पत्थर भर के लटका देते हैं, और जब उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है तभी वो यहाँ पे आके जो चीज से मन्नत मांगते हैं तभी वो बलि देते हैं। दोस्तों, बात रही क्या यहाँ पे रात में सच में नंगा बाबा आते हैं, तो दोस्तों आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन दोस्तों आप इस बात से पता लगा सकते हैं यहाँ पे कितने लोगों का मनोकामना पूर्ण होते हैं और यहाँ पे कितने लोग बलि देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी नाई रेडी हो रहा है इन दोनों को मुंडन करने के लिए, और हम लोगों का मेन पूजा करने का रीजन यही था क्योंकि यही दोनों के लिए मन्नत मांगा गया था। इंटरेस्टिंग अभी यहाँ है कि आप देख सकते हैं दादी को नीचे साड़ी ऊपर में पत्ता लेके मुंडन होने वाला बाल को कैश करने के लिए रेडी है,
और ऐसा नियम है कि जो मुंडन होने वाला बाल है वो एक भी इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, डायरेक्ट पत्ता में गिरना चाहिए। अगर गिर भी गया तो पत्ता में उठा के एक विशेष जगह में जाके उसे रख देना है। और जो भी ये रस्म को करते हैं उन्हें एक साड़ी दान के रूप में देते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा किए हैं या फिर करते हुए देखे हैं तो नीचे कॉमेंट में जरूर लिखे। और एक तरफ अभी हम लोग का मुंडन हो रहा है, दूसरा तरफ अभी हम लोग पाठा को बलि देने के लिए रेडी कर रहे हैं। तो अभी आप लोग पूरा ध्यान से देखो किस तरह से पूजा हो रहा है। चल रुखियारी सटा तो थुथनो खाली बस वही ए साडा को दिस रे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस हम लोग का फाइनली पूजा हो गया और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग गए हुए थे। और जैसे कि आप लोग देखें वहाँ पे धान लगाया गया था तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, तो इस वजह से हम लोग वहाँ से चलाए रानीपुर का नदी पुल। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कितना अच्छा से सेटअप लगाया हुए और हम लोग का जो नदी पुल है वहाँ का वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा। वहाँ का तो वीडियो का मेरा सारा वायरल ही होता है रानीपुर मेला का। तो अभी चलिए यहाँ पर हम लोग अपना पिकनिक करते हैं, एक टाइप का इसे पिकनिक भी कह सकते हैं। तो पिकनिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे मिल रहा है नाश्ता और मैं भी वीडियो बनाते हुए पहुँच गया वहाँ पे नाश्ता लेने के लिए। फिर मेरे को याद आया कि मैं तो बरस ही नहीं किया हूँ। तो गाइस मेरी जो चाची है वो मतलब इतना ज़्यादा ख्याल रखती है मेरे, क्या ही बोले गाइस। मतलब घर से ही उनको पता था कि ब्रश नहीं किया, तो इस वजह से घर से ही दतवन लेके चली गई थी वहाँ पे। और फिर जैसे ही मैंने बोला ब्रश नहीं किया, फिर चाची झोला से दतवन निकाल के दी। और गाइस मैं ये ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा कि चाची मेरी इतना ज़्यादा केयर करती है गाइस। और फिर मैंने जाके पूल के ऊपर मस्ती से ब्रश किया। तो गाइस ब्रश कर लिए और अभी कर रहे हैं नाश्ता प्लास्टिक में। मेरा नाश्ता देखने से पहले गाइस आप लोग ये नेचर देखो कितना मस्त जगह में कर रहे हैं नाश्ता को। और मैं बोल सकता हूँ काफी औसम जगह, काफी मस्त जगह है। और मेरा नाश्ता आप लोग देख सकते हैं, हम लोग तो खाने वाले थे पत्ता में, बट पत्ता आने थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से प्लास्टिक में खा रहे हैं। हाँ मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ, बाकी सब सही है। देख सकते हैं इधर का पुल, पुल का नीचे खा रहे हैं। और हम लोग कर रहे हैं पिकनिक वो जगह में, देख सकते हैं वो जगह हम पिकनिक कर रहे हैं वहाँ पे। थोड़ा इधर कैमरा मैन थोड़ा इधर फोकस कीजिए, वो जगह हम पिकनिक कर रहे हैं वहाँ पे, देखो वहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं। और इस तरह का नेचर यहाँ पे देख सकते, ये है मछली पकड़ने वाला, देखो ये है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये मछली पकड़ने वाला है। वहाँ भी एक है और यहाँ पे कितने सारे लोग नहा रहे हैं अभी, और इधर खेती कर रहे हैं और हम लोग इसके बगल में पिकनिक कर रहे हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अब हम लोग का कार्यक्रम शुरू होता है देसी तरीके से, प्योर देसी तरीके से खाना बनाने का, मटन बनाने का, चिकन बनाने का। तो क्या है खास, किस तरह बनाते, नजरे बनाए रखो। कर लेटा इधर कह रहा है, हम लोग का मटन चिकन सब कुछ रेडी हो गया। और इधर मटन कट रहा है, मतलब कि मटन समझ सकते हो कट ही गया, आधा से अधिक कट चुका है। और उधर हम लोग का खाना भी बन चुका है। और अब फाइनली देख सकते हो कितना अच्छा से चिकन बन रहा है यार, क्या औसम दिख रहा है यार, क्या ही बोल रहा है। जब मैं ये वीडियो का अभी एडिट कर रहा हूँ लग रहा है और एक बार इस तरह मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। देखो कितना एकदम स्पाइसी रेड कलर का दिख रहा है। और अभी चाची ऊपर से दे दी तेजपत्ता, और भी औसम दिखने लगा। ओहो हो 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 हो। तो गाइस अभी हम लोग को मिला चखना, जो हम लोग का दो मुर्गा था वो हम लोग पहले खा रहे हैं, मटन बाद में, मटन अभी बन रहा है। और चखना का आप लोग देख सकते हैं क्या वाइब्स है गाइस, एकदम बहुत मजा आ रहा है, क्या ही बोले। तो अभी मटन खाते हैं, उसमें अभी आपको मिलता है, ये पहले अभी खा लेते हैं उसके बाद। पहले तो आप ये जगह को देख सकते हैं गाइस, कितना मस्त दिख रहा है, क्या औसम जगह है। ऊपर में भी पूल है, नीचे में भी पूल है, तो वहीं पे सब कोई बैठ के खा रहे हैं। और हम लोग भी अभी खाना खाने वाला है, मतलब कि वीडियो को एंडिंग करने का समय आ गया। और मैं खाते हुए क्या ही दिखाऊं, तो मिलता है आपको किसी नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरा अपकमिंग वीडियो पाने के लिए। और वीडियो में आप कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा और हम लोग का पिकनिक भी कैसा लगा। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल देन जय हिंद जय भारत।